subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सबका testbook.com के प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम आरजू कक्कड़ है और इस सेशन में मैं जिस टॉपिक पे आपके साथ डिस्कशन करने जा रही हूँ वो है एक कैंपेन जिसका नाम है गो इलेक्ट्रिक कैंपेन। तो अब ये कैंपेन कैसा कैंपेन है, इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, इससे रिलेटेड इसकी मिनिस्ट्री, इसका पर्पस और क्या क्या इसके फीचर्स, और ये हमारे मेंस के लिए कैसे रेलिवेंट है, क्योंकि एक टॉपिक हम प्रिलिम्स और मेंस दोनों के हिसाब से देखते हैं। और देखना भी चाहिए, क्यों देखना चाहिए, क्योंकि यही एक राइट डायरेक्शन है, यही एक अप्रोच है जो आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में लेनी चाहिए। प्रिलिम्स और मेंस कोई अलग अलग तैयारी नहीं है, जो बच्चे मोस्टली ऐसा सोचते हैं वो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है। आप उसी एक टॉपिक को, ये भी देखो कि आप इस टॉपिक को मेंस के किस सेक्शन में मेंशन कर पाओगे, क्या जीएस पेपर 2 या जीएस पेपर 3 में कहीं ये मेंशन हो सकता है, और इसमें प्रिलिम्स से कैसे क्वेश्चंस आएंगे, प्रिलिम्स से ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो आप प्रीवियस ईयर पेपर में अगर देखते हो, वो पैटर्न देखोगे, उसको एनालिसिस करोगे। जैसे आप और हम, आप में से काफी बच्चे पार्टिसिपेट करते हो, रोज लाइव सेशन होता है मंडे टू फ्राइडे शाम को 4 बजे, तो वहां पर आपको ये समझ आएगा कि अगर आप इस कैंपेन के बारे में जब पढ़ने जाओगे तो मैं आपको इन बिटवीन बताऊंगी कि कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, और आप में से कई बच्चे खुद ही ये सब सोचना शुरू कर दोगे। तो दिस इज व्हाट जो मैं चाहती हूं कि आपको पता चले एक चीज को पढ़ते टाइम कि कैसे आपको उसको कहां कहां अलग अलग सेक्टर्स में उसको मेंशन कर सकते हो, कैसे इसकी इंपॉर्टेंस है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी के साथ इस सेशन को स्टार्ट करती हूँ। इस कैंपेन को अच्छे से जानते हैं, इससे कोई भी सवाल आए तो उसको सॉल्व कर लेंगे। इससे पहले जल्दी जल्दी आपके लिए एक बहुत अच्छी अनाउंसमेंट, वो ये है, आप में से जो भी बच्चे यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, तो टेस्टबुक ने लॉन्च किया है ऑल द वे एक न्यू चैनल फॉर यूपीएससी क्लासेस, जहां पर यू विल लर्न फ्रॉम द यूपीएससी क्वालिफाइड फैकल्टी। आपको डाउट क्लासेस, आपकी लाइव क्लासेस, आपको गाइडेंस प्रॉपर दी जाएगी, करंट अफेयर एनालिसिस, स्टैटिक का पोर्शन लिंक करना, एमसीक्यू सॉल्व करवाना, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, सब कुछ यहां पर करवाया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि जो भी कमिंग नोटिफिकेशंस हो आप तक पहुंचती जाए। और सब्सक्राइब करने के आपके पास जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी के साथ साथ आपके पास 299 रुपीज का पास भी है जो टेस्ट बुक लेकर आया है, जिसमें 100+ कोर्सेज होंगे और 12,000+ मॉक टेस्ट। काफी अच्छा पास है, सिर्फ 299 में है। टेस्ट बुक की साइट पर जाइए, साइट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और वहां जाकर इस पास को अवेल कर सकते हो। अगर मैं बात करूं इस कैंपेन की, गो इलेक्ट्रिक कैंपेन, तो ये क्या बात कर रहा है, अभी अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है। किस कैंपेन को? गो इलेक्ट्रिक कैंपेन को लॉन्च किया है। अब ये क्या करना चाहते हैं, इनका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है कि आप ई मोबिलिटी, ई चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और इलेक्ट्रिक कुकिंग, इन सब के बेनिफिट्स जो हैं वो लोगों तक पहुंचाए जाएं, लोगों में इनकी अवेयरनेस हो। इस कैंपेन को और अच्छे से जानने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए यही रहेगा, प्रिलिम से जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बनेगा इससे एसोसिएटेड इसकी मिनिस्ट्री। तो यहां पर जो मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। इसका एम, ये पूरी चीजें इंपॉर्टेंट है, यहां से हर साल क्वेश्चन आता है और ऐसे ही आता है। इसका एम, जैसे मैं आपको बता रही हूं, अवेयरनेस स्प्रेड करना है ताकि लोग जागरूक हों। जैसे क्लाइमेट चेंज इतना चल रहा है, कैसे आप अपने, हम लोग क्रूड ऑयल इतना इंपोर्ट करते हैं, उस डिपेंडेंसी को कम करने के लिए, कार्बन से जितना हम लोग कार्बन फ्यूल यूज कर रहे हैं उन सबको कैसे कम करके, जैसे ई रिक्शा चलने लग गए तो BS6 नॉर्म हम यूज करने लग गए, तो ऐसे ही अगर आप इलेक्ट्रिक कुकिंग के अंदर इलेक्ट्रिक कुकिंग कर रहे हो, ई मोबिलिटी जो चीजें हैं वो यूज कर रहे हो, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रहे हो, तो यहां पर लोगों को ये अवेयर कराना कि आप ऐसी चीजों का यूज करो। इसको इंप्लीमेंट करने के लिए जो आपके पास बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन है, वो है एक ब्यूरो, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। इसके बारे में भी जान लेंगे, क्योंकि अगर हम पढ़ रहे हैं तो इसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि हम कोई भी वो एस्पेक्ट नहीं छोड़ना चाहते जहां से हमें लगता है कि क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। आगे चलते हैं, इस कैंपेन के फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आप मेंस में भी अपने आंसर्स में मेंशन कर सकते हो। यहां पर ये कंट्री को पुश करना चाहता है टुवर्ड्स 100% ई मोबिलिटी, क्लीन एंड सेफ ई कुकिंग। जैसे पैन इंडिया लेवल पे, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, ऑल इंडिया लेवल पे हम कितना क्रूड ऑयल दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं, तो आपकी जो सबसे पहले तो जो इंपोर्ट डिपेंडेंस है वो कम होगी। दूसरी बात, क्लाइमेट चेंज के चलते जो हम नॉर्म्स जो फॉलो करना चाहते हैं, क्लाइमेट चेंज सिर्फ ये लिखने की बात नहीं है, क्लाइमेट चेंज वास्तविकता में भी हमें नजर आ रहा है। हमारे आसपास जो ये फॉरेस्ट फायर हो रही हैं, ये जो ग्लेशियर्स आउटबर्स्ट हो रहे हैं,
ग्लोबल वार्मिंग इतनी हो रही है, इनको कैसे आने वाले 30 सालों की ये बात नहीं है, अभी से ही ये चेंजेस नज़र आ रहे हैं। तो अपने एंड पे मैं हर बार यही प्रमोट करती हूँ, अपने खुद को भी बोलती हूँ और आपको भी यही कहती हूँ कि अपने एंड पे आप क्या कर सकते हो, छोटी छोटी चीज़ें वो सब करनी चाहिए। यहाँ पर देखो, लो कार्बन इकोनॉमी की तरफ हमें ऑब्वियसली मूव करना है, जितना कम कार्बन हम यूज़ कर पाएँ, देयर बाय सेविंग द कंट्री। हम अपने प्लानट को, अपनी कंट्री को भी इस क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट से सेव कर सकते हैं, और उसमें इंडिया का एक ये बहुत बड़ा रोल रहेगा, जहाँ पर हम प्रमोट कर रहे हैं गो इलेक्ट्रिक कैंपेन को। इसके अंदर जैसे मैंने आपको टर्म्स यूज करी है, ई मोबिलिटी जो जो इस कैंपेन का ही अपना एक अवेयरनेस है, तो यहां पर ई मोबिलिटी का मतलब क्या है? ई मोबिलिटी मतलब मोबाइल, चलना, मूविंग, और ई मोबिलिटी मतलब इलेक्ट्रिकल बेस्ड, एनर्जी बेस्ड। तो बात यही है यहां पर है कि हम जो एग्जिस्टिंग कार्बन एमिटिंग फॉसिल फ्यूल को यूज कर रहे हैं, वो फॉसिल फ्यूल जिनसे कार्बन बहुत ज्यादा एमिट होता है, उनको बंद करें और ट्रांजिट करें किसकी तरफ? वो एनर्जी जो कि इलेक्ट्रिकल पावर सोर्सेस से आ रही है, नेशनल ग्रिड से फॉर एग्जाम्पल, था थ्रू एक्सटर्नल चार्जिंग कैपेबिलिटी। ये इलेक्ट्रिक फ्यूल जो है ये आपके लिए एक फॉसिल फ्यूल का एक मेजर अल्टरनेटिव भी रहेगा। इलेक्ट्रिक फ्यूल लो कॉस्ट भी होता है, एमिशंस भी कम होंगी और इंडिजीनियस भी रहेगा। तो विन विन सिचुएशन हो रही है, इलेक्ट्रिफिकेशन होगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, इट इज नॉट ओनली इकोनॉमिकल बट ऑल्सो इको फ्रेंडली। तो हमारे इकोनॉमिकल तो है ही, इकोनॉमिकल अगर हम देखें तो ऑब्वियसली हेल्प कर रहा है, हमारा इंपोर्ट कम होगा, लेकिन साथ साथ इको फ्रेंडली भी है, एक सस्टेनेबल वे है और काफी अच्छा तरीका है ये। इसको अगर हम प्रमोट करें आगे, लोगों के अंदर जागरूकता लाएं इन चीजों की। इलेक्ट्रिक कुकिंग की अगर मैं टर्म की बात करूं जो ये कैंपेन प्रमोट करना चाहता है, तो यहां पर बेसिकली शिफ्ट होना चाहते हैं इंडक्शन कुकिंग की तरफ, जहां पर गवर्नमेंट चाह रही है कि आप लोग एनर्जी एक्सेस को और अच्छे से इंप्रूव करो। इंडक्शन कुकिंग के अंदर और अच्छे से अगर मैं बताऊं तो एडवांटेज लेना चाहते हैं वो सोलर पावर का। सोलर पावर ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि कितना इसको यूज़ किया जा रहा है, अब सोलर पावर और कितने अच्छे से, किस पेस से, किस स्पीड से हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं। तो इस सोलर पावर को और अच्छे से यूज़ करने के लिए, चाहे अर्बन एरिया हो चाहे रूरल एरियाज हो, दोनों एरियाज़ में, तो ये एक इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड सॉल्यूशन होगा, जहाँ पर यूनिवर्सल इलेक्ट्रिफिकेशन, यूनिवर्सल क्लीन कुकिंग की बात जो है वो की जाएगी। इलेक्ट्रिक कुक स्टॉप्स जो है वो अडॉप्ट करने की बात करी जा रही है। अगर लास्ट में मैं आपको इस ब्यूरो के बारे में बताऊं, जैसे मैं बताना चाह रही थी स्टार्टिंग में, जो इम्प्लीमेंट करेगा इस कैंपेन को वो ये ब्यूरो है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। तो ये कब सेटअप हुई थी, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है और इसके कुछ और मेजर प्रोग्राम्स? ये सेटअप हुई थी मार्च 2002 में। एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी बहुत ऐसे सवाल पूछ रही है। आई होप आप जो बच्चे प्रीवियस ईयर पेपर की एनालिसिस कर रहे हो, जिसमें हम लगभग 10 साल के पेपर जो है वो देख चुके हैं, यहां पर देखो क्या होता है। और अभी भी डेली, क्योंकि हमें 20 ईयर्स का सेट कंप्लीट करना है, तो लाइव सेशन डेली होता है और आपके पास वीडियोज भी रिकॉर्डेड हो जाती हैं, आप वो देख सकते हो। देखो यहां पर ये एक्ट यूपीएससी जरूर पूछती है, ये किस एक्ट के अंदर बनी और एक्ट का नाम चेंज कर देगी। तो यहां पर 2002 में एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के अंदर इसको बनाया गया था, ये सेटअप हुई थी। इसका ऑब्जेक्टिव था कि जो भी पॉलिसीज हम डेवलप कर रहे हैं या जो भी स्ट्रैटेजीज हम बना रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी को कम करने की बात करी जाए इंडियन इकोनॉमी में, तो रिड्यूसिंग एनर्जी इंटेंसिटी, तो वो सारे ऑब्जेक्टिव जो हैं, वो जो पॉलिसीज हैं, वो जो स्ट्रैटेजीज हैं, उनको हेल्प करना, उनको और अच्छे से असिस्ट करना। प्रोग्राम्स की बात करूं तो जैसे स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स, परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड स्कीम, स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग प्रोग्राम, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड, तो ये सारे मेजर प्रोग्राम्स के अंदर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो एसोसिएशन है, ये इसमें हेल्प करती है, जिसका नाम है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। तो ये आपका जो टॉपिक है ना, ये आपके प्रिलिम्स के लिए मस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा यूपीएससी आपसे पूछ लेगी विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर दी लाइक रिलेटेड टू दिस गो इलेक्ट्रिक कैंपेन, और चार ऑप्शन दे देगी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इलेक्ट्रिक कैंपेन। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिसमें इसमें ई मोबिलिटी की भी बात करी जा रही है और इसमें ई कुकिंग की भी बात करी जा रही है। आप सोचोगे ये ई कुकिंग की तो बात बिल्कुल नहीं हो रही होगी, उसमें इलेक्ट्रिक कुकिंग की भी इस कैंपेन में बात हो रही है, जो बच्चे काफी स्किप कर जाएंगे और भूल जाएंगे। तो ये छोटी छोटी चीजों को आपको ध्यान रखना है, इसकी एसोसिएटेड मिनिस्ट्री और इसको किसने सेटअप किया, इसकी पूरी एसोसिएशन के बारे में भी मैंने आपको अच्छे से जानकारी दे दी है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं
तो देखिए, बेटियां बनेंगी मेम साहब, इस कैंपेन के अंदर ये टेस्ट बुक आपके लिए लेकर आया है, जहां पर 20 मार्च को एक स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है। जितनी भी लड़कियां, जितने भी वुमेन्स जो चाहती हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रही हैं, तो ये टेस्ट आप दे सकते हो। 20 मार्च को होगा, इसमें रजिस्टर कर सकते हो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर ऑब्वियसली आपकी तैयारी जो है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए टेस्ट है। जो भी यहाँ से विनर होंगे, जो टॉप परफॉर्मर्स होंगे, उनको काफ़ी एक्साइटिंग प्राइसेस दिए जाएंगे। लाइक कुछ सिलेक्टेड को स्कूटीज प्रोवाइड हो सकती हैं, साथ साथ आपको 4G डाटा एक्सेस साल भर के लिए, 365 डेज के लिए फ्री एक्सेस मिल सकता है। HD टैबलेट जो है आपकी प्रिपरेशन के लिए आपको मिल सकता है। साथ ही साथ जो रजिस्टर करेंगी, जितनी भी लड़कियां रजिस्टर करेंगी, उनको 1 मंथ के लिए टेस्ट बुक का जो पास है वो भी फ्री मिलेगा। अगर रजिस्टर करना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और इसी के साथ साथ एक UPSC IAS कोर्स जो है फॉर NCERT शुरू हो गया है। NCERTs जितने अच्छे से कवर करोगे उतना अच्छा है। इन NCERTs को कवर करने के लिए आपको लाइव कोचिंग यहाँ प्रोवाइड कराई जाएगी। अगर इस कोर्स में एनरोल होना चाहते हो तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जहां पर टेस्ट होंगे, क्वेश्चन होंगे, PDF नोट्स होंगी और लाइव क्लासेस होंगी कंप्लीट NCERT को कवर करने के लिए। ठीक है, इसी के साथ मैं इस सेशन को यहीं एंड करती हूं। मैं आशा करती हूं आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, समझ आ गई होगी, और यहां तक तो याद रहेगी लेकिन 2 दिन बाद भूल जाएगी। तो भूलना नहीं है, रिविजन जरूर करते रहना। मेरी तरफ से आई विश यू ऑल अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। खुश रहो, स्वस्थ रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, टेंशन मत लो, रिविजन करते रहो। टिल देन, थैंक यू फ्रॉम माई साइड।